तो श्रीलंका का दिन देखे तो आजकल बहुत खराब चल रहा है। जी हाँ, पूजा कराना पड़ेगा, पाठ कराना पड़ेगा, राम जी का देखे तो नाम लेना पड़ेगा, और रावण की भी नाम लेना पड़ेगा, रावण का भी नाम लेना पड़ेगा, रावण का भी जाप करना पड़ेगा। काहे कि उनके देखे तो पूर्वज शायद खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनका हालत बहुत खराब चल रहा है। इंडिया से 50 रन पर ऑल आउट हुए एशिया कप के फाइनल में, और आज पहला मैच था वर्ल्ड कप में, और वहाँ पर भी देखे तो ऐसा हालत हो गया जैसे कि लगता है कि मुर्गा का कोई पर पूरी तरह से छील दिया हो। जी हाँ, हालत ख़राब कर दिया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा, मार के लपेट के उड़ा के भेज दिया गया। और चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आज टूटा है। जी हाँ, आज का मैच साउथ अफ्रीका श्रीलंका के बीच में था, साउथ अफ्रीका ने कूट दिया श्रीलंका को, और कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो सबसे पहले देखे तो साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 गो शतक आया। पहला क्वांटन डी कॉक जिन्होंने 100 रन जड़े, दूसरा वांडर डुसेन जिन्होंने 108 रन जड़े, और तीसरा एडन माक्रम जिसने 106 रन मारा। तो तीनों ने 3 शतक मारा। ये देखे तो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मैच में 3 बल्लेबाजों ने एक साथ शतक जड़ा हो। जी हाँ, तो ये रिकॉर्ड पहला टूटा। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड टूटा। 49 गेंदों पर एडम माक्रम ने शतक जड़ा इस मैच में। इससे पहले देखे तो 50 गेंदों में केविन ओब्रायन ने शतक मारा था, वो भी बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ 2011 वाला वर्ल्ड कप में। और इस बार भी देखे तो वैसा ही हुआ, एडन माक्रम ने 49 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद एक और रिकॉर्ड टूटा, वनडे में सबसे ज़्यादा टोटल मारने का रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में 428 रन जड़े जो कि सबसे बड़ा टोटल है वनडे में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 417 बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में, और उससे पहले 2 बार साउथ अफ्रीका ने बनाया था, एक बार भारत ने भी बना रखा है। तो 400 रन ढेर तो मारे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा रन मारा है वनडे में। ये सब देखे तो रिकॉर्ड टूटा है, कुछ और रिकॉर्ड टूटे हैं। पतिराना का भी देखे तो हड्डी 4-5 को इन्होंने घसक गया है, क्योंकि वो भी इतना इससे से बॉलिंग कर रहे थे, कनू फेंक दे रहे हैं, वाइड कनू, नो बॉल कनू, कुछ भी फेंक दे रहे थे। पर देखते हैं श्रीलंका कमबैक करती है कि नहीं कमबैक करती है, ये तो देखना बहुत ज़रूरी होगा। और मैच जो भी हो, रिजल्ट को पता है सबको कि श्रीलंका हार ही जाएगी, लेकिन शायद जीत सकती है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप बताइए कि श्रीलंका जीतेगी कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। और ऐसे ही वर्ल्ड कप न्यूज़ के लिए, क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।